प्यारे बच्चों नमस्ते, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है? अच्छा, पिछले कक्षा में हमने या रा ला वा शा सीखा। या से यज्ञ, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ sacrifice और fire। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ sacrifice और fire। देन नेक्स्ट वर्ड रा, रा से रथ। रथ का अर्थ क्या है? रथ मीन्स chariot, रथ मीन्स chariot। देन नेक्स्ट वर्ड ला, ला से क्या होता है? ला से लटका। लटका का अर्थ क्या है? लटका मीन्स boy। लटका का अर्थ क्या है? लटका बॉय। नेक्स्ट वन वा, वा से क्या होता है? वा से वक। वक का अर्थ क्या है? क्रेन। वक से क्या होता, वा से क्या होता है? वा से वक। वक मीन्स क्रेन। देन लास्ट वन शा, शा से क्या होता है? शा से शलगम। शलगम का अर्थ क्या है? टर्निंग। शलगम टर्निंग। देन आज हम शा सा हा शा त्रा न्या सीखेंगे। शा सा हा शा त्रा न्या, पहला वर्ण क्या है? शा। शा कैसे लिखते हैं ये देखिए। शा ये कौन सा वर्ण है? शा। शा कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ए यूकर एंड स्टैंडिंग लाइन एंड ए स्लैंडिंग लाइन इनसाइड द यूकर, फाइनली स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप। फर्स्ट यूकर देन standing line and a sliding line inside the yukar, then finally slipping line on the top। sha ye kaun sa varna hai? sha। agla varna kya hai? sa। sa kaise likhte hai ye dekhiye। सा ये कौन सा वर्ण है आप बताइए? सा। सा कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ए सिकर एंड ए कनेक्ट टू ए स्लैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन एंड ए स्टैंडिंग लाइन, फाइनली स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप। सिकर and connected to a slanting line, then sleeping line and connected to a sleeping line, a standing line, finally sleeping line। slanting line sleeping line finally sleeping line on the top। sa ye kaun sa varn hai? sa। once again sa a seeker and connected to a slanting line and sleeping line and connected to a standing line, finally sleeping line। seeker and a slanting line
स्लीपिंग लाइन, connected to a standing line, finally slipping line on the top. कौन सा वर्ण है? सा. अगला वर्ण क्या है? हा. हा. कैसे लिखते हैं ये देखिए. फर्स्टली ए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड ए सीकर लाइक दिस एंड वन मोर एकर लाइक दिस देन फाइनली स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप. हाँ, ये कौन सा वर्ण है? हाँ, अगेन ए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड सीकर लाइक दिस एंड वन मोर सीकर एंड फाइनली स्लीपिंग लाइन. देन अगला संयुक्त अक्षर ष. ष ये कौन सा वर्ण है? ष. फर्स्ट यू ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन then a curve like this and inside the curve like this. Sha. ek one sa varna hai sha. Sha kaise likhte hai dekhiye. स्टैंडिंग लाइन एंड है कर्व लाइक दिस फर्स्ट यू ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन देन यू कर्व एंड इनसाइड द यू कर्व शा. अगला वर्ण क्या है? त्र. त्र कैसे लिखते हैं? ये देखिए. त्र ये कौन सा वर्ण है? त्र. फर्स्ट यू ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन एंड ए स्लैंडिंग लाइन and one more slanting line like this and finally slipping line on the top. First you draw a standing line then a slanting line and one more slanting line like this and finally slipping line on the top.
again. Standing line. And a slanting line. Finally, slipping line on the top. Ekon savarna hai, tra. Abadaye, tra. Then finally, nya. Nya kaise likhte hai? Ye dekhiye. First you draw a standing line, then slipping line, then come to a C curve like this and a slanting line like this, finally slipping line on the top. Once again, standing line, then connect to a standing line, a slipping line, and a C curve like this, and inside a slanting line. Finally, slipping line on the top of the letter. एक कौन सा वर्ण है? न्या. अब हम श स ह श त्र ञ सिक. श स ह श त्र ञ पुस्तिका में लिखिए. श स ह श त्र ञ राइट इन द नोटबुक. अगला कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.